हेलो नमस्कार, बी टू बी यानी बैक टू बुक्स विद शिवानी खरे में आपका स्वागत है, वेलकम है। मैं आपसे बात करूंगी किताबों की, कुछ आपकी पसंद की तो कुछ अपनी। आज बात कर रहे हैं इस समय की बेहद चर्चित किताब गेरबास के बारे में। यह एक उपन्यास है जिसके लिखने वाले हैं साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित भगवान अनमोल। यह लेखक की लिखी चौथी किताब है जो हकलाहट जैसे एक अनछुए विषय पर बात करती है। इसके प्रकाशक है पिंग रैंडम हाउस इंडिया और यह 2023 में प्रकाशित हुई है। यह कोई 190 पेज की किताब है जिसकी कीमत है मात्र 299। अच्छा, क्या आपने कभी बुक पायरेसी के बारे में सुना है? बुक पायरेसी यानी नक्कालों की बनाई असल सी दिखती नकली किताब जो अक्सर आधी से भी कम कीमत पर आपको मिला करती है। इससे सबसे बड़ा नुकसान जानते हैं किसका होता है? लेखक और प्रकाशक का। कैसे? बताते हैं। पहले हम आज के अपने लेखक भगवान अनमोल जी से कुछ बातें कर लेते हैं। बी टू बी यानी बैक टू बुक्स विद शिवानी खरे में आपका स्वागत है भगवान जी। मैं कुछ एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। तो मेरा पहला सवाल है कि पहली किताब जो पढ़ी और याद रही वह क्यों? पहली किताब थी वो गुनाहों का देवता। अच्छा। और गुनाहों के देवता में जो प्यार और जो ये मार्मिकता दिखाई गई थी जी, मुझे याद है। मैं रात में तुम्हें 2 बजे पढ़ रहा था बीच में जी। और ये रो रहा था जो है ना, पढ़ने का मन भी कर रहा था। तो ऐसी किताबें रेयर ही दिखती हैं। लोग ये गंभीरता की बातें तो जो है ना करते हैं जी, लेकिन जो 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 आकर्षण ये वो गुनाहों के देवता में थी, चित्र लेखा में थी, है ना जी, ऐसा कम ही दिखता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल है कि पहली किताब जो लिखने की प्रेरक बनी क्यों और कैसे? पहली किताब तो मैंने ऐसे लिखी थी, द परफेक्ट लव थी, ठीक है, और ये बीते के टाइम थी। अच्छा। तब क्या था, मैं डायरी ये लिखता था जी। और जो मेरे मेट था वो डायरी जो है ना पढ़ा करता था। पढ़ने के बाद में एक बार बोला कि आपको इसे पब्लिश भी कराना चाहिए। वहां से मैंने सोचना ये शुरू किया जी। और फिर है ना गंभीरता से लिखना शुरू किया जी। और किताब ये पब्लिश भी हुई थी, लेकिन ना पब्लिशर को ज्यादा लोग जानते थे ना मुझे। कोई नहीं थी जी। लेकिन वहां से मेरा ये लिखना शुरू हुआ था। बहुत बढ़िया। एक बार फिर से नाम बताइएगा बुक का। हेलो जी, एक बार फिर से टाइटल बताइएगा बुक का। द परफेक्ट लव थी। आज की डेट में नाम लेता नहीं हूँ मैं कहीं पे भी क्योंकि हाँ, शुरुआती गलतियाँ जो होती हैं, ठीक है ना, तो नाम लेता नहीं हूँ, लेकिन हाँ लिखना वहां से शुरू हुआ था। बहुत बढ़िया। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और मेरा सवाल आ रहा है कि पहला उपन्यास जिसका कैरेक्टर याद रह गया वो क्या था और क्यों याद रहा? चित्र लेखा का जी। जो चरित्र था बहुत जो है ना बढ़िया था। एक स्वतंत्र लेडी थी जी। जो अपना जीवन अपने टर्म्स में जीना चाहती थी जी। और उसके जीवन में प्यार भी था, है ना, वो जीवन को भी जानना चाहती थी। और फिर वो लास्ट में जानी पाप ये पुण्य सब चीजें
तो मुझे ये लगता है जो चित्रलेखा का चरित्र था जी, एक लेडी के तौर पे याद से कई साल पहले आज की ये लेडी से भी बेहतर था जी, इंडिपेंडेंसी के मामले में एक्चुअली। जी 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 अच्छा एक और सवाल मेरा है कि क्या फिल्में देखते हैं? बेशक देखते हैं ना, लेकिन जो है ना कम देखते हैं। देखता हूँ मैं। कोई ऐसी किताब है जिस पर आप फिल्म देखना चाहते हो जो अब तक बनी ना हो? गिरवास फिर देखना चाहते हैं और कोशिश भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, इसके लिए मैं शुभकामनाएं आपके साथ हैं। क्योंकि आपने कल भी ये सुना ना होगा, गेरबाज का जो टॉपिक है जी, जितनी फिल्में आपने देखी होंगी सब में कहीं ना कहीं ये मजाक के तौर पे पेश किया गया है ना, हाँ व्यंग के तौर पे पेश जो है ना किया गया। तो चाहता हूँ कि ऐसी समस्या जिसके बारे में ज्यादा गंभीरता से बात नहीं हुई है जी जी, थोड़ा सा ये गंभीरता से बात होना चाहिए कि हमने ये किताब के माध्यम से तो की ही, लेकिन बॉलीवुड का दायरा थोड़ा बड़ा है ना जी, तो वहां से बात ये जाएगी तो ज्यादा दूर तक जाएगी। बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, सही कह रहे हैं जी, बस जी। अच्छा एक चीज ऐसी आ रही है दिमाग में बात की, कुछ लिखने के लिए क्या आपको भी कोई होमवर्क करना पड़ता है? बेशक, बिना मतलब आप जिस भी टॉपिक पे ये लिखना चाहते हैं जी, तो आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अभी मैं ये कल की बात आपको जो है ना बताता हूँ, ये वो बात के दौरान हमसे पूछा गया कि आपने ने जो है ना शुरुआत में तो आपने कहा कानपुर है जी, लोकल की जो है ना भाषा बाद में जी, ये ज्यादा तो लोकल की भाषा नहीं दिखी जी जी, तो मैंने कहा मेरे ये संपादक ने हमसे पूछा था जी कि लोकल की ये भाषा बाद में भी ये डालिए, लेकिन जब हम पूरे मास के लिए ये लिख रहे होते हैं ना जी, तो लोकलाइज्ड हम वो किसी भी चीज को बनाना नहीं चाहते, लेकिन यदि आप ये परवेश की बात भी करेंगे तो राम की ये कहानी यमीस भी लिखते हैं, ठीक है ना यमीस? बिल्कुल है ना, वो जो है दूसरे ये भाषा में लिखते हैं, ठीक है, कहीं कोई लेना देना होता ही नहीं है जी। तो मेन क्या है कि जो बात ये मैं बोलना चाह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाना चाहिए, जरूरी ही नहीं है कि हम सेम ये भाषा पे ही दें, है ना हर चीज। तो बेशक होमवर्क तो करना पड़ता है, जैसे मैं अकेली ये किताब लिखने जो जा रहा हूँ तो सेम जगह पे ये जा रहा हूँ, 10 दिन वहाँ गुजारूंगा, देखूंगा, बातें करूंगा, फिर देखूंगा कि हाँ क्या यहाँ लिखा जा सकता है। होमवर्क बहुत ज्यादा ये जरूरी होता है, आप भी जानती हैं कई जगह पे चीजें हमें बेहतर ये लिखना होता है ना, करना होता है, तो जानकारी होना चाहिए ये, क्योंकि ये किताब आने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछे ये जाते हैं जी, और आपको उनको जवाब देना ही है जी जी, जवाब के आंसर मतलब है ना होने चाहिए आपके पास।
बिल्कुल, इसी से मेरा एक और जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि आपकी अगली अगला काम क्या है और उसकी योजना क्या है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आपसे तो बता सकता हूँ लेकिन पॉडकास्ट में नहीं बता सकता, जी, क्योंकि कि मतलब मेरे टॉपिक बिल्कुल ये नए होते किताबी हैं, ठीक है ना, में जैसे टॉपिक्स पे बातें ज्यादा ना हुई हो। जी, तो तो ऐसे मैं मोटा मोटा अभी ये पूछ दस सकते हैं आप दिन मुझे? जनवरी में जाऊंगा बाहर, थोड़ा सा के जी बाद मैं आपसे बात ये करूंगा, लेकिन मतलब पॉडकास्ट में तो नहीं पॉसिबल है। तो ओके, नहीं मतलब ये फिक्शन होगा, नॉन फिक्शन होगा, इतना तो पता चल फिक्शन नॉन फिक्शन के बीच का कुछ की मतलब जो है ना, जी। दोनों चीजों का का समावेश होना चाहिए वहां पे, ओके ओके क्योंकि जो है ना सत्यता वहां दिखनी चाहिए कहानी के फिर जो है ना रूप में उस चीज को। ओके ओके जी ठीक है सर। एक चीज भगवान जी, मैं एक लास्ट सवाल ये पूछना चाहूंगी कि हमारे सुनने वालों के लिए आपका नए साल का संदेश क्या होगा? नए साल का संदेश यही रहेगा, खूब पढ़ें लिखें, और एक बात कि वो किसी के बात पे ना जाएं। क्यों? क्योंकि कोई भी अपनी बात ये बोलता है तो जी जो अपने सोच या अपने विचार और या अपने ये अनुभवों के आधार पे बोलता है, या आपकी सोच आपके अनुभव आपके विचार ये डिफरेंट होते हैं, जी तो ये दूसरों के की जिंदगी को नहीं देखना है ना चाहिए। मैंने कई ऐसे लोग देखे जो बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं थे जी लेकिन जीवन में बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन बहुत तो ऐसे भी लोग देखे जो बहुत ज्यादा शिक्षित थे लेकिन बहुत ज्यादा आगे नहीं पढ़ पाए। तो जी जीवन दूसरों के अनुभवों पे नहीं चलता है, या आपके या अपने पे चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी, थैंक यू सो मच हमारे लिसनर्स के लिए, और उनकी तरफ से आपको भी नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। या आपको भी जो है ना, और मेरे पाठकों को है ना, पेंगुइन मंजित जी सबको नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद भगवान जी, नमस्कार। नमस्कार। आइए अब आपको इनके लेटेस्ट उपन्यास गेरबाज का एक अंश पढ़कर सुनाते हैं। Page 144। आर्या की हर बात मुझे बार बार याद आती थी, उसका प्यार, उसकी दी सीख हर कदम पर साथ होती थी, लेकिन उसे अपना न सकता था। एक तो उम्र में बड़ी थी, दूजा जाति और गोत्र, घर वाले बवंडर काट देंगे यह मालूम था। उसे भूलने की कोशिश भी ना काफी थी, आखिर भुलाया उसे जा सकता है जिसका आपके जीवन में बहुत कम योगदान हो, जिसने नरक से उठाकर मुझे इंसान बनाया हो, जिसने एक पत्थर जो सभी के पैरों की ठोकरें खाता हो उसे निखार कर मूर्ति बना दिया हो, उसे कैसे भुलाया जा सकता है? हर कदम पर उसके मोटिवेशनल वाक्य मुझे प्रेरित करते थे, उसकी सीख के सहारे बोलता था और उसकी सीख के सहारे इंटरव्यू देने जा रहा था। कई बार फोन में उसके कांटेक्ट नंबर तक हाथ बढ़ते थे, डायल होते थे और रिंग जाने से पहले काट दिए जाते थे। शायद प्यार इसी को तो कहते हैं, मन का आगे बढ़ना और दिमाग द्वारा रोक दिया जाना। मन उसकी ओर खींचा चला जा रहा था और समाज की बंदिशें आगे बढ़ने से रोक रही थीं। प्यार असीम खुशियों का संसार है, जबकि समाज द्वारा बनाया गया संसार रुकावटों का। जब आप कुछ नहीं होते तो समाज के नियम हावी होते हैं, जब आप कुछ बन जाते हैं तो समाज के ऊपर आपके नियम हावी हो जाते हैं। बस फर्क है तो उस आत्मविश्वास का जो पद और धन से प्राप्त होता है या फिर कुछ पा लेने के बाद आता है।
मैं भी कुछ पाकर दुनिया को दिखाना चाहता था कि किसी से कमजोर नहीं हूं। लेकिन जैसे जैसे इंटरव्यू का दिन नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। लग रहा था अगर इस इंटरव्यू में कहीं उसी तरह का अटकना हो गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। फिर से सड़क पर आ जाएंगे और दुनिया के सभी रास्ते मेरे लिए बंद हो जाएंगे। कहते हैं जब आप डर रहे होते हो तो आपके सारे रास्ते बंद ही दिखाई पड़ते हैं। मेरा पहला इंटरव्यू था और पहले इंटरव्यू का डर समय नजदीक आने के साथ समानुपाती बढ़ रहा था। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना? 34 साल की आदत 1 साल में काबू तो की जा सकती है, लेकिन दिमाग से निकाली नहीं जा सकती। तीसरी तरफ कोविड की दूसरी लहर बढ़ रही थी। हफ्ते भर पहले तक शायद ही किसी को अंदेशा हो कि आने वाली लहर देश की सबसे बड़ी महामारी साबित होगी। यह लहर हर दूसरे घर में मातम छोड़ जाएगी। लोगों को अस्पताल में बिस्तर नहीं मिलेंगे और चिता जलाने के लिए भी नंबर लगाना पड़ेगा। मुझे तो बिल्कुल भी न था, लेकिन यह सब भी झेलना बाकी था। जो पूरी दुनिया ने देखा, उसे मैंने अपने जीवन के नजदीक से गुजरते हुए देखा। उस पीड़ा को अपनी रग रग में घुलते देखा, यहाँ तक कि जीवन की सोच को बदलते देखा। मृत्यु और जीवन के बीच के उस लकीर जैसे फासले को पलक झपकते मिटते हुए पाया। मन और दिमाग के न नुकर के बीच आखिर मन ने बाजी मार ही ली। इंटरव्यू से एक दिन पहले मैंने कॉल लगा ही दिया था। कहते हैं रिश्ता कोई भी हो, झुकने से बेहतर बन सकता है तो झुक जाना चाहिए, भले ही वह दोस्ती ही क्यों ना हो। वहीं आर्या की बात ही अलग है। वह किसी दोस्त गुरु से कहीं बढ़कर मेरे लिए जीवनदायिनी थी। इस बार मेरे हाथ रुके नहीं, लेकिन दिमाग चल गया था। दिमाग ने पूरा सोच लिया था कि कितना पूछ कर फोन काट देना है ताकि उधर चिंगारी भी लग जाए और हमारी बलि भी रहे। हेलो, उधर से बहुत धीरे आवाज आई थी। तुम ठीक हो? मैंने थोड़ा परेशान लहजे में पूछा था। हाँ ठीक हूँ, क्यों? उसने उतनी ही धीरे आवाज में बताया और बीच में खांसने लगी। मैंने आज बड़ा बुरा सपना देखा, इसलिए फिक्र हुई। मैंने अपने मन से बनाई झूठी कहानी सुना दी थी। तुम्हें मेरी फिक्र हुई जानकर अच्छा लगा। हल्का सा खांसते हुए वह बात पूरी करने लगी। कल तुम्हारा इंटरव्यू है, इंटरव्यू दो जाकर। मेरी चिंता ना करो, मैं ठीक हूं। वाक्य के अंत में सांस फूल रही थी, उसने फोन काट दिया था। मुझे वह तकलीफ में लगी। इस बीच काफी खबर भी सुनने में आ रही थी, कोरोना की दूसरी लहर भारत में फैल रही थी। मैंने अब घर में रुकना ठीक नहीं समझा, भागकर चल दिया था आर्या के फ्लैट की तरफ। तो ये था भगवंत अनमोल की लिखी गेरबाज से एक अंश आप सबके लिए। अच्छा, बुक पायरेसी यानी नक्कालों की बनाई असल सी दिखती नकली किताब जो अक्सर आधी से भी कम कीमत पर आपको मिला करती है, उसकी सबसे बुरी बात होती है कि वह हक मारती है लेखक का और प्रकाशक का भी। आप अपने थोड़े से पैसे बचाने के लालच में सबसे बड़ा नुकसान करते हैं अपने ही प्रिय लेखक का, जिसने अपने कई साल और ज्ञान उस किताब को लिखने में खर्च किए होते हैं, और उसे बदले में अपनी किताब की ही पायरेटेड प्रति का एक पैसा नहीं मिलता अपने ही पाठकों की मेहरबानी से। जरा सोच कर देखें कि आपके प्रिय लेखक पर क्या गुजरती होगी ऐसे में। सोचें और बताएं कमेंट बॉक्स में। आज का एपिसोड यहीं तक। आपसे फिर मुलाकात होगी B2B यानी बैक टू बुक्स विद शिवानी खरे में उसके अगले एपिसोड में। नमस्कार, जय हिंद।